तो हेलो गाइज, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बताने वाले हैं कि अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल चुके हैं तो न्यू पासवर्ड कैसे बनाएं, या फिर मोबाइल चेंज करते रहेंगे तो उसमें लॉगिन नहीं होता होगा, तो आपको अगर आईडी मालूम होगा तो नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जा सकते हैं अपने क्रोम ब्राउजर ऊपर कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद से देखिए, यहाँ से आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम लॉगिन, इस पर सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद पहले वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद से आपको जस्ट नाउ क्लिक कर देते हैं और यहाँ से देखिए फॉरगेट का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद से आपको आईडी जो है होगा, आईडी के नाम डाल लेते हैं हम। आपको आईडी का नाम तो मालूम ही होगा, आप किसी के मोबाइल पर सर्च कर भी देख सकते हैं, आपको मालूम होगा। तो यहाँ से आईडी नंबर में डाल लेता हूँ। आईडी नंबर को डालने के बाद सेंड यू लिंक पे क्लिक कर देते हैं। आप उसमें जो नंबर दिए होंगे तो आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, या फिर जीमेल दिए होंगे तो जीमेल पे मैसेज आएगा। तो सिंपली मैं नंबर डाला हूँ, तो देखिए जाकर दिखाते हैं। मैं नंबर पे देखिए सेंड हो गया, मेरे नंबर पे मैसेज चला गया है। वहाँ से आपको लिंक मिलेगा, लिंक जाके आपको इंस्टाग्राम में डायरेक्ट लेकर जाएगा। उसके बाद से आगे का प्रोसेस दिखाते हैं हम आपको। आपको ना जाना है, अपने मैसेज को ओपन कर लेता है। आप जाके मैसेज को ओपन करने के बाद देखिए मेरा ऊपर आ गया है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से नीचे देखिए लिंक मेरा आ गया है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम में जाएगा और यहाँ से एक नया आपको पासवर्ड बना लेना है। मैं सिंपली अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ, एक नया जो आप अपना बनाना चाहते हैं अपने मन से डाल सकते हैं यहाँ से। तो मैं एक पासवर्ड नया डाल लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ से सेंड पर क्लिक कर देते हैं, रिसेट पे। रिसेट पे जाने के बाद से देखिए मेरा जो पहले था वो ओपन हो गया है और नया एक पासवर्ड बन के रेडी हो गया है। और देखिए सब आपको पहले जो था वो आपका सब चीज़ आ जाएगा, आपको कोई भी चीज़ में बाकी नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।